हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने इस वीडियो पे स्वागत करती हूँ। आज हम मलाईदार गाजर का हलवा बनाएंगे। गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले गाजर को छीलकर और धोकर उसे कद्दूकस कर लेंगे। हमने गाजर को पहले ही धोकर और कद्दूकस करके रख लिया था। अब इसे कढ़ाई में डाल लेंगे। और हल्की गैस पर बिना पानी और तेल के ढककर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। दो मिनट हो चुके हैं, अब इसे एक बार खोलकर चेक कर लेते हैं। देखिए, गाजर हल्की पक चुकी है। अब इसमें एक दूध डालेंगे। ध्यान रहे हम दूध इतना डालेंगे कि गाजर दूध में अच्छे से डूब जाए। अब इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। पांच मिनट हो चुके हैं, इसे एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, इसमें थोड़ा सा दूध बचा हुआ है। अब इसको हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक गाजर सारा दूध अच्छे से एब्जॉर्ब ना कर ले। सारा दूध अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है। अब इसमें 1 कप मलाई डालेंगे। हम इसमें घी का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी मलाई डाल चुकी है। अब इसे चलाते रहेंगे ताकि गाजर अच्छे से पक जाए। देखिए, हम कलछी को बर्तन की तली पर इस तरीके से चलाकर देखेंगे। अगर गाजर अलग अलग हो जाता है, इसका मतलब ये ऑलमोस्ट तैयार है। अब इसमें चीनी डालेंगे। चीनी डालने के बाद इसे थोड़ी देर तक चलाते रहेंगे ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए और 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। सारी चीजें डालने के बाद और गाजर का हलवा अच्छे से पकने के बाद इसका कलर तो बहुत प्यारा निकल कर आया है। अब इसमें कुछ काजू कुछ कटे हुए बादाम पिस्ता और इलायची पाउडर डालेंगे। थोड़ी देर चलाकर मिला लेंगे। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है एंड आई एम श्योर आपके घर में इसे बच्चे बहुत पसंद करेंगे। गाजर का हलवा बन चुका है। अब गैस बंद कर देंगे और इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे।
मलाईदार गाजर का हलवा बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।